పంజాబ్ లో లాక్ డౌన్ కఠినంగా అమలవుతోంది. అత్యవసర పనులుంటే తప్ప జనాలు ఇండ్ల నుంచి బయటకు రావడం లేదు. ఉదయం అమృత్సర్ లో కర్ఫ్యూ వాతావరణం కనిపించింది. మిల్క్ కోసం కొంతమంది బయటకు వచ్చారు. రోడ్డు మీదకు వచ్చేవారు కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తున్నారు. పోలీసులు కూడా ఎక్కడికక్కడ గస్తీ ఏర్పాటు చేశారు. అనవసరంగా రోడ్డు మీదకు వస్తే కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. बाईस तारीख को इंडिया कर्फ्यू लगा है, उसके दो दिन उस दिन बहुत अच्छा गया और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इससे हमें बहुत राहत मिलेगी और ये हमारे लिए ही है. प्रधानमंत्री ने हमारे लिए ही ये सब कुछ किया है. तो मेरी तो देशवासियों से ये हाथ जोड़कर बेनती है, इस कम्युनिटी लॉकडाउन को 21 दिन के लिए करें. और इसके लिए प्रबंध भी किए गए हैं. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया गया है कि जो हमें हर जरूरी वस्तु है उसके लिए टाइमिंग दी गई है और वो हमारे घर तक पहुंचेंगी. और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसका समर्थन करूंगा और 21 दिन अपने घर पे रहूंगा. हाँ, समर्थन करते हैं सर. हम 600 6 तो 8 हम घर घर डिलीवरी करांगे. जड़े कोल साढ़े घर आ तकरीबन तो आप ही लै जाते हैं नाल. बाकी जो होम डिलीवरी साढ़े ऑलरेडी पहला भी जाती है तो हूँ भी गांह जारी रहेगी. बाकी अं जो भी लैन आते एक मीटर का डिस्टेंस बना के मूँह तो मास्क बन के फिर इसे दे रहे हैं. लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं जो सरकार ने किया ठीक किया साढ़े लिए साड़ी जनता लिए जो उन्होंने कदम चुके आ साड़ी सेफ्टी जान है तो जान है बस. तो बाकी है भी जिन्ना असं सेफ रहेंगे उन्ना ही साढ़े लिए चंगा तो लोगों लिए भी चंगा तो साढ़े लिए भी चंगा. लोग इस चीज़ को समझन तो बाकी दुख लोगों भी समझा बस.